और ब्लेस टीवी में आप सभी का स्वागत है। कलकत्ता का कालीघाट मंदिर देवी काली को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। कालीघाट मंदिर कलकत्ता शहर में हुगली नदी पर एक पवित्र घाट है। समय के साथ नदी मंदिर से दूर चली गई। मंदिर अब आदि गंगा नामक एक छोटी नहर के किनारे है जो हुगली से जुड़ता है। कहा जाता है कि कलकत्ता शब्द कालीघाट शब्द से लिया गया है। भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है, जहां शिव के रुद्र तांडव के दौरान सती के शरीर के विभिन्न अंग गिरे थे और कालीघाट उस स्थल का प्रतिनिधित्व करता है जहां दक्षिणायन या सती के दाहिने पैर के पंजे गिरे थे। वर्तमान मंदिर 19वीं शताब्दी का है, हालांकि इसका 15वीं और 17वीं शताब्दी के बंगाल के कुछ भक्ति साहित्य में संदर्भ मिलता है। माना जाता है कि कालीघाट मंदिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय से अस्तित्व में है। मूल मंदिर एक छोटी झोपड़ी के आकार का ढांचा था, जिसे राजा मान सिंह ने 16वीं शताब्दी में बनवाया था। वर्तमान संरचना 1809 में सबरन रॉय चौधरी के मार्गदर्शन में पूरी हुई। मंदिर के मुख्य मंदिर में देवी काली की एक अनूठी प्रतिमा है। मंदिर पारंपरिक बंगाल स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर की शैली में बनाया गया है, जिसके शीर्ष पर एक बड़ा गुंबद है। मंदिर के भीतर विभिन्न वर्गों को अलग अलग उद्देश्यों के लिए रखा गया है। काली देवी की टचस्टोन से बनी प्रचंड प्रतिमा स्थापित है। इस प्रतिमा में माँ काली भगवान शिव की छाती पर पैर रखे हुए नजर आती हैं। गले में नरमुंडों की माला पहने हैं और हाथ में कुल्हाड़ी और नरमुंड हैं। काली माँ की जीभ बाहर निकली हुई है, जिससे रक्त की कुछ बूंदे भी टपकती नजर आएंगी। इस मूर्ति के पीछे कुछ किंवदंतियां भी प्रचलित हैं। काली माता की मूर्ति श्याम रंग की है, आंखें और सिर सिंदूरिया रंग में हैं। यहाँ तक कि माँ काली के तिलक भी सिंदूरिया रंग में लगा हुआ है। वे हाथ में एक फांसा पकड़े हैं, जो सिंदूरिया रंग का ही है। कालीघाट मंदिर शहर के सबसे प्रतिष्ठित मंदिरों में से एक है। माँ काली का आशीर्वाद लेने के लिए लोग मंदिर में आते हैं। ऐसे ही और मंदिरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए ब्लेस टीवी।